कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल पर जाने से जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। सरल केंद्र में ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, वाहनों की पासिंग, तहसील में रजिस्ट्री, इंतकाल जमाबंदी जैसे जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं और जनता परेशान है। लोग काम होने की आस लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन सीटें खाली देख मायूसी से वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटरों की मुख्य मांग समान काम समान वेतन के अलावा कई अन्य मांगे भी हैं। जब हमने एसडीएम ब्रह्म प्रकाश से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किसी को भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा, ऑपरेटरों की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। एसडीएम ने कहा कि इसे लेकर सरकार से बातचीत चल रही है। नहीं, दो दिन से ये बात सही है कि दो दिन से कंप्यूटर ऑपरेटर ने स्ट्राइक की हुई है, लेकिन आज सुबह ही मैंने अपने जो स्टाफ का एसडीएम ऑफ कार्यालय में जितना भी स्टाफ है उसकी मीटिंग ली है और जो डीलिंग हैंड है, जो क्लर्क है कंसर्न्ड, वो उस काम को निपटाएंगे। उनके पास भी पासवर्ड है, वो भी सारी उनके पास अथॉरिटी है और कंप्यूटर चलाना जानते हैं। एसडीएम कार्यालय में जो कोई भी आमजन आएगा उसको किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। यस यस, वो हमारे यहाँ पे हमने क्लर्क को दिशा निर्देश दे दिया है और वो हम बिल्कुल अनइंटरप्टेड वो काम करेंगे किसी तरह। यस यस, हमारे क्लर्क हैं कंपिटेंट, वो कंप्यूटर भी जानते हैं और उनके पासवर्ड भी, उनको निर्देश दे दिया किसी कोई भी काम के लिए आएगा तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हड़ताल का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि उनकी जो डिमांड्स है वो इसमें हमारे स्तर की नहीं है और दूसरी रेगुलराइजेशन की और कुछ सैलरी वगैरह बढ़ाने से संबंधित हैं जिसमें हम कंपिटेंट नहीं है, तो उससे स्ट्राइक कब तक रहेगी? क्योंकि सरकार के साथ भी बातचीत जारी है, यही संभावना है कि बहुत जल्दी हल निकल जाएगा एक दो दिन के अंदर ही, नहीं तो हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है, हमारे क्लर्क काम करेंगे, कंप्यूटर जानते हैं, किसी को असुविधा नहीं होने देंगे। कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल पर जाने से जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। सरल केंद्र में ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, वाहनों की पासिंग, तहसील में रजिस्ट्री, इंतकाल जमाबंदी जैसे जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं और जनता परेशान है। लोग काम होने की आस लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन सीटें खाली देख मायूसी से वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटरों की मुख्य मांग समान काम समान वेतन के अलावा कई अन्य मांगे भी हैं। जब हमने एसडीएम ब्रह्म प्रकाश से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किसी को भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा, ऑपरेटरों की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। एसडीएम ने कहा कि इसे लेकर सरकार से बातचीत चल रही है। नहीं, दो दिन से ये बात सही है कि दो दिन से कंप्यूटर ऑपरेटर ने स्ट्राइक की हुई है, लेकिन आज सुबह ही मैंने अपने जो स्टाफ का एसडीएम ऑफ कार्यालय में जितना भी स्टाफ है उसकी मीटिंग ली है और जो डीलिंग हैंड है, जो क्लर्क है कंसर्न्ड, वो उस काम को निपटाएंगे। उनके पास भी पासवर्ड है, वो भी सारी उनके पास अथॉरिटी है और कंप्यूटर चलाना जानते हैं। एसडीएम कार्यालय में जो कोई भी आमजन आएगा उसको किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। यस यस, वो हमारे यहाँ पे हमने क्लर्क को दिशा निर्देश दे दिया है और वो हम बिल्कुल अनइंटरप्टेड वो काम करेंगे किसी तरह। यस यस, हमारे क्लर्क हैं कंपिटेंट, वो कंप्यूटर भी जानते हैं और उनके पासवर्ड भी, उनको निर्देश दे दिया किसी कोई भी काम के लिए आएगा तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हड़ताल का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि उनकी जो डिमांड्स है वो इसमें हमारे स्तर की नहीं है और दूसरी रेगुलराइजेशन की और कुछ सैलरी वगैरह बढ़ाने से संबंधित हैं जिसमें हम कंपिटेंट नहीं है, तो उससे स्ट्राइक कब तक रहेगी? क्योंकि सरकार के साथ भी बातचीत जारी है, यही संभावना है कि बहुत जल्दी हल निकल जाएगा एक दो दिन के अंदर ही, नहीं तो हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है, हमारे क्लर्क काम करेंगे, कंप्यूटर जानते हैं, किसी को असुविधा नहीं होने देंगे।